अरे योगी जी, लालू जी, अखिलेश, राहुल, सब लोग इकट्ठे होके क्या पटाखे बेचने लगी? इस दिवाली तो गांव में पटाखे बेचने वालों की भीड़ लग गई। मोदी जी, दुकानों को मत देखो, ये बताओ आपको क्या लेना है। ये देखो मोदी जी, सुतली बम्ब बेच रहा हूँ मैं, सुतली बम्ब ले जाओ मुझसे खरीद के, अच्छे दाम में लगा दूंगा, फोड़ते हुए भी बहुत मजा आएगा। नहीं होगी जी, सुतली बम्ब तो मुझे नहीं चाहिए, सुतली बम्ब आवाज बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, आसपास का पूरा मोहल्ला जाग उठता है और सब बाहर निकल आते हैं। सुतली बम्ब तो मैं नहीं फोड़ूंगा इस दिवाली, कोई दूसरा पटाखा दिखाओ। मोदी जी, दूसरा पटाखा मेरे पास है, योगी जी तो सिर्फ सुतली बम्ब बेच रहे हैं, ये देखो मैं रॉकेट बेच रहा हूँ, रॉकेट बहुत बढ़िया धमाका करेगा आसमान में जाके। अरे लालू जी, धमाका तो करेगा, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे नहीं चाहिए इस दिवाली। लालू जी, कोई ऐसा पटाखा दिखाओ जिससे दिल खुश हो जाए। मोदी जी, लालू जी तो सिर्फ रॉकेट बेच रहे हैं, ये देखो मैं फुलझड़ी बेच रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फुलझड़ी है, ले लो, आवाज भी नहीं करती है ज्यादा, उजाला बहुत करती है। नहीं राहुल, ज्यादा उजाले वाला पटाखा भी मुझे नहीं चाहिए, कम आवाज और कम उजाले वाला पटाखा दिखाओ कुछ। तो मोदी जी, ये देखो मैं लड़ी बेच रहा हूँ, लड़ी बहुत बढ़िया लड़ी है, कम आवाज कम उजाला करेगी और काफी देर तक चलेगी, ये कम से कम 15 मिनट, बहुत लंबी है ये। अखिलेश, इतनी देर तक चलने वाला पटाखा मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही पटाखा हो, अच्छा पटाखा हो। तो मोदी जी, ये ले लो, एक ही पटाखा है, सस्ते दाम में लगा दूंगा, बहुत ही धमाका करेगा। अरे शिवराज सिंह जी, इतना बड़ा पटाखा लिए पड़े हो हाथ में, इसको कौन ले जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंने शुरू में ही कह दिया मुझे ऐसा पटाखा चाहिए जो ज्यादा आवाज ना करे, ये तो बहुत आवाज करेगा। मोदी जी, जब आपको दिवाली पे आवाज नहीं चाहिए तो फिर पटाखे खरीद ही क्यों रहे हो, घर पे ताली बजा देना, आवाज हो जाएगी, बेफालतू की बात करते हो। चलो मोदी जी सुनो, ये देखो मेरे हाथ में पटाखे हैं दो, एक के साथ एक फ्री, ले लो, सस्ते दाम में लगा दूंगा। अमित शाह जी, एक के साथ एक फ्री बेच रहे हो तो क्या अच्छे पटाखे होंगे ये, समझ में नहीं आ रहा है, कोई अच्छा कम आवाज का और कम रोशनी का पटाखा दिखाऊं। लो मोदी जी, ये लो तो तुम, ये है चकरी, गोल गोल घूमेगी, कम उजाला करेगी, कम आवाज करेगी, बहुत मजा आएगा इसे चलाते हुए। हाँ केजरीवाल जी, तुम्हारी चकरी पसंद आई, चकरी दे दो और सब लोग सब एक एक पटाखा दे दो, जब यहाँ आया हूँ तो सभी के पटाखे खरीदूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। और बहनों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन मायावती जी, ये 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए में मैं आपको नहीं दूंगा। अरे मोदी जी, 10 रुपए ठीक तो है, आप 10 रुपए में नहीं दोगे, इतना छोटा बर्तन तो क्या दोगे? अरे धनतेरस का दिन है, आपकी इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है बर्तनों की, मैं आपके ठेले पे बर्तन खरीदने के लिए देखो कितने लोगों को लाई हूँ और आप इतने महंगे लगा रहे हो बर्तन। अरे बहन सोनिया जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मायावती जी के हाथ में जो बर्तन है ये महंगा है, ये देखो मुझे 10 रुपए दिखा रही है, 10 रुपए तो कम है बहन जी। बहन मायावती जी, 50 रुपए में आपको इसको लेना है तो लो, नहीं तो काम करो। मोदी जी, काम करोगा क्या मतलब होता है, आप इस तरीके से कैसे कह सकते हो? मम्मी जी, मैं आपसे कह रहा था कि मोदी जी के ठेले पे बर्तन खरीदने के लिए मत चलो धनतेरस पर, लेकिन आप इन्हीं की दुकान पर आ गई, अब ये मायावती जी को 10 रुपए का बर्तन नहीं दे रहे। अरे राहुल, एक बात बताओ, 50 रुपए का बर्तन 10 रुपए में कैसे दे दूंगा मैं तो नहीं दूंगा। अरे 50 रुपए का बर्तन है तो आप 40 रुपए दे दो, 10 रुपए कम दे दो। मोदी जी, दूंगी तो मैं 85 रुपए, आप 10 रुपए में ही ये बर्तन दोगे मुझे, कह देती हूँ मैं। नहीं बहन मायावती जी, मैं आपको 10 रुपए में ये बर्तन कतई नहीं दूंगा। तो लो ये मोदी जी, मैं आपके इस बर्तन को यही पे आपके ठेले पे रख दे रही हूँ। बहन सोनिया जी, मोदी जी के ठेले से चलो, केजरीवाल जी के ठेले पे बर्तन खरीदेंगे, धनतेरस का मौका है, धनतेरस के मौके पे ये बर्तन को महंगा बेच रहे हैं। देखो बहन मायावती जी और सोनिया जी, बेहिसाब कम में तो मैं आपको बर्तन दूंगा नहीं, आपको केजरीवाल जी के ठेले पे जाना है, जाओ चले जाओ, वो भी सस्ते बर्तन नहीं देंगे, धनतेरस का मौका चल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी धनतेरस के मौके पे मैं बिल्कुल फ्री बर्तन दे दूं। मोदी जी, फ्री बर्तन आपसे कौन मांग रहा है? बहन मायावती जी के हाथ में बहुत छोटा सा बर्तन है, 10 रुपए ठीक तो है उस बर्तन के, आप तो 50 रुपए मांग रहे हो, 50 रुपए के लायक तो ये बर्तन नहीं है बहन मायावती जी के हाथ में। अरे ममता दीदी, सब लोग तुम एक ही मुंह हो गए, कम से कम मेरी बात तो समझो, मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, ये 30 रुपए का मैं खरीद के लाया हूँ, 40 रुपए में तुम्हें दे दूंगा, 40 रुपए दे दो। बहन मायावती जी, ऐसा करो, मोदी जी 30 रुपए में इस बर्तन को खरीद के लाए, 30 रुपए ले दे दो, घाटा नहीं होगा इन्हें। लेकिन बहन सोनिया जी, एक बात बताओ, दाम के दाम में अगर मैं बेच दूंगा सारे बर्तन तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा क्या? धनतेरस का मौका है, यही कमाई का टाइम है, जितने में मैं बर्तन खरीद के लाया हूँ उसके ऊपर 2-4 रुपए तो दे दो। और बहनों को, आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
चलो बहन सोनिया जी, स्कूल में एक हफ्ते की छुट्टी पड़ गई दिवाली की। अब एक हफ्ते तक स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, आराम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, इस बार स्कूल वालों ने छुट्टी कम दिन की डाली। पिछले साल दिवाली की छुट्टी पूरे 10 दिन की पड़ी थी, इस बार दिवाली पे एक ही हफ्ते की छुट्टी डाली। अरे बहन सोनिया जी, एक हफ्ते की छुट्टी क्या कम है, अब एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो देखो खुशी में तो लालू जी बिल्कुल नाच रहे हैं। मोदी जी नाचूंगा क्यों नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, ऊपर से दिवाली का त्योहार है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब एक हफ्ते तक स्कूल में होमवर्क करके नहीं ले जाना पड़ेगा, सारी चिंताओं से मुक्त हो गए एक हफ्ते के लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लालू जी इतना भी ज्यादा खुश मत हो, एक हफ्ते बाद तो स्कूल जाना ही है, मानते हैं एक हफ्ते की स्कूल की छुट्टी है दिवाली की। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी समझ रहा था 10 दिन की स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, लेकिन छुट्टी एक हफ्ते की पड़ी दिवाली की। अरे योगी जी मैंने अभी सोनिया जी से भी यही कहा, एक बात बताओ, एक हफ्ते की छुट्टी क्या कम होती है स्कूल की, एक हफ्ते में ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे अपना लोग। देखो लालू जी तो बहुत ही ज्यादा खुश है, उन्हें लग रहा है वो एक हफ्ते तक होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी दिन स्कूल में होमवर्क करके ले ही नहीं जाते थे, मैं होमवर्क इनका करके देता था। अरे मोदी जी खुश तो मैं भी बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ मैं एक हफ्ते की छुट्टी से। दिवाली पे इस बार मैंने बहुत सारी तैयारी की है, गुजिया बनाई है। मोदी जी आप मेरे घर पे गुजिया खाने के लिए आना। अरे ममता दीदी जरूर, आप बुला रही हो तो आपके घर पे दिवाली के मौके पे गुजिया खाने के लिए जरूर आएंगे। मोदी जी एक बात क्यों बोल रहे हो, अगर एक हफ्ते की छुट्टी की भी है टीचर्स ने तो एक हफ्ते का काम भी दिया है अपनों को, होमवर्क भी दिया है करने के लिए एक हफ्ते का। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो, मोदी जी अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपनी एक हफ्ते की दिवाली की छुट्टी तो है, लेकिन एक हफ्ते का होमवर्क दिया है टीचर ने करने के लिए, हर दिन अपनों को होमवर्क करना पड़ेगा घर ही पे। अरे बहन मायावती जी होमवर्क तो 5 दिन नहीं करेंगे, छुट्टी की आखिरी वाले दिन आराम से बैठ के कर लेंगे सारा का सारा होमवर्क। फिलहाल इस दिवाली की छुट्टी पे मजा आएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।